हाय दोस्तों, नेपाल और मालदीव्स के बीच जो मैच हुआ है आज एशियन गेम्स का ग्रुप स्टेज का, इसमें नेपाल ने मालदीव को हरा के अपना जो क्वार्टर फाइनल है क्वार्टर फाइनल पक्की कर ली है नेपाल का टीम। यानी नेपाल का टीम और एक धाप आगे पहुंच चुका है गोल्ड मेडल की तरफ। जो नेपाल है, नेपाल ने आज पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 212 रन पे 7 विकेट गंवाया। नेपाल की इस पारी में कौशल भोटल ने बनाया 35 रन, 18 बॉल में 35 रन की पारी खेली है कौशल भोटल ने। और गुलशन झा ने बनाया 35 रन, 21 बॉल में 35 रन की पारी खेला है गुलशन झा ने। और इसके बाद आया रोहित पौडेल, रोहित पौडेल ने एक कैप्टनसी की पारी खेलते हुए 27 बॉल में 52 यानी एक अर्धशतक पारी ओनली रोहित पौडेल ने खेला है। और इसके बाद आया है कौशल मल्ला जो पिछले मैच के हीरो थे यानी सेंचुरी बनाने वाला, बट इस मैच में भी बहुत अच्छे एक पारी खेलते हुए ओनली 20 बॉल में 47 रन की एक धुआंधार पारी खेला है और वो भी नॉट आउट। अगर कुछ ओवर रहता तो शायद कौशल मल्ला आज भी सेंचुरी पार ही कर देता। इसके साथ ही नेपाल टीम ने 212 रन की एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया है अपना स्कोर बोर्ड में। नेपाल टीम ने अपने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है आज। ओनली 74 रन पे मालदीव टीम को ऑल आउट कर दिया है और इसके साथ ही 138 रन की बहुत बड़ी अंतर से जीत गया है नेपाल का टीम। और नेपाल का टीम आज जीतते ही पहुँच गया है क्वार्टर फाइनल में। और जो नेपाल की तरफ से सबसे अच्छा बॉलिंग की है वो है अविनाश बोरा ने, 3 ओवर 4 बॉल डालते हुए 6 विकेट लिया है। और नेपाल की तरफ से सबसे किफ़ायती मन बॉलिंग किया है अविनाश बोरा ने। और इसके साथ ही जो नेपाल है, नेपाल अब पहुंच गया है एशियन गेम्स की क्वार्टर फाइनल में।